हेलो एवरीवन, तो आज हम अपना डिक्शनरी क्रैश कोर्स का थर्ड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे पहले के फर्स्ट और सेकंड नंबर लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अबोर। अबोर मीन्स नफ़रत करना। हम नफ़रत करना के लिए और भी वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे हेट और डिटेस्ट। और इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, ये एक वर्ब है तो इसका सेंटेंस में यूज़ होगा, शी अबोर्स हर नेबर्स, कि वो अपने पड़ोसियों से क्या करती है, नफ़रत करती है। सेकंड वर्ड इज़ अबाइड। अबाइड का मतलब होता है फ्रेंड्स सहना, किसी चीज़ को सहन करना, ये भी एक वर्ब है। तो इसके भी, अबाइड के भी बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स हैं, जैसे हम इसकी जगह पे यूज़ करते हैं टॉलरेट करना, बियर करना। तो ये एक नया वर्ड है आपके लिए, अबाइड। अबाइड मीन्स सहन करना। तो ही कैनॉट और कांट अबाइड दैट मैन, कि वह उस आदमी को सहन नहीं कर सकता। थर्ड वर्ड इज़ एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्षमता, ये एक नाउन है, एबिलिटी नाउन है। तो इसका सेंटेंस में यूज़ होगा, शी हैज़ एबिलिटी टू ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, कि उसके उसमें क्या है, क्षमता है किसी भी ऑब्स्टेकल मतलब परेशानी को या मुसीबत को पे जीत पाने की। फोर्थ वर्ड इज़ एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब असामान्य, जो सामान्य नहीं है वो क्या हो गया, असामान्य। तो ये एक एडजेक्टिव है, तो इसका एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा। एडजेक्टिव का यूज़ हम हमेशा नाउन से पहले करते हैं, तो पर्सन क्या है, नाउन है, तो इससे पहले हमने एबनॉर्मल का यूज़ किया, तो इसका एग्जांपल होगा मिस्टर मेहता इज़ एन एबनॉर्मल पर्सन, कि जो मिस्टर मेहता हैं वो एक असामान्य व्यक्ति हैं या वो सामान्य नहीं है। फिफ्थ नंबर इज़ अपोलिश। अबोलिश मीन समाप्त करना, ये भी क्या है, एक वर्ब है, समाप्त करना। इसका एग्जांपल देखिए, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपोलिश द इकोनॉमी ऑफ इंडिया बैडली, कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसने क्या कर दिया, इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।